नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद पर फिर सामने आया पाकिस्तान का दोहरा चेहरा। नवाज ने हिजबुल आतंकी बुरहान वानी को बताया यूथ लीडर। भारत पर लगाया कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप। नवाज के झूठ पर भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा बंदूक और बातचीत साथ साथ नहीं। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने पाकिस्तान को वॉर मशीन करार दिया। नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक आतंकी ढेर, 5 के छिपे होने की खबर। अभी भी दोनों तरफ से हो रही है गोलीबारी। कैराना में हिंदुओं के पलायन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पाया सही। डर को बताया पलायन की वजह। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट। मुंबई में नहीं थम रही मुसीबत की बारिश। कई इलाकों में भरा पानी, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। दोपहर में हाई टाइड की भी आशंका। और कानपुर में टीम इंडिया खेल रही है 500वां टेस्ट मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर भारत कर रहा है पहले बल्लेबाजी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।